आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है स्टाइल बाजार, स्टाइलिंग योर फैमिली। लाल झंडे से पटा पूरा बगोदर इलाका, गूंजा लाल सलाम। शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह अपनी शहादत दिवस पर किए गए श्रद्धा और सम्मान से याद। पार्टी की ओर से आयोजित हुई संकल्प सभा, उमड़ा जन सैलाब। प्रभात खबर के सौजन्य से स्टेडियम में संपन्न कराया गया झारखंड फुटबॉल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला। गिरिडीह और कोडरमा टीम के बीच हुई शानदार भिड़ंत। 3-0 से कोडरमा की टीम ने मारी बाजी, कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को फिर मिली एक बड़ी सफलता। रंगे हाथों बेंगाबाद से दबोचे गए 4 साइबर अपराधी बोलेरो मोटरसाइकिल के साथ भारी संख्या में फर्जी सिम और एटीएम बरामद। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने पीसी कर दी जानकारी। और शहरी क्षेत्र में शातिर चोरों का आतंक जारी। नगर थाना के समीप शंकर ट्रेडर्स में चोरों ने किया हाथ साफ, गल्ले से 55,000 रुपए चुराए। मामला दर्ज, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बगोदर में बुधवार को भाकपा माले के द्वारा शहीद विधायक महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर संकल्प सभा आयोजित किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भाकपा माले के धाकड़ नेता और बगोदर के दिवंगत विधायक महेंद्र सिंह के 15वें शहादत दिवस पर बगोदर में भाकपा माले ने संकल्प सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग जुटे। सभा में भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विधायक राजकुमार यादव, पूर्व विधायक विनोद सिंह, राजेश यादव समेत कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। आंदोलन को स्थापित करने के लिए हमें अपने संघर्षों को सड़क से सदन तक, विधानसभा से संसद तक हर मोर्चे पर मजबूती से बढ़ाना है। इन्हीं आशा जिंदा, धन्यवाद। सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और सरकार इस मुद्दे पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है और करती रहेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजित करने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में श्री भट्टाचार्य ने कहा कि कोडरमा लोकसभा चुनाव में माले दूसरे स्थान पर थी और काफी कम अंतर से चुनाव हारी थी, इसलिए कोडरमा में पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। 14 साल पहले 16 जनवरी का ही दिन था जब कॉमरेड महेंद्र जी की हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी का राज था। 2004 के लोकसभा चुनाव में इंडिया शाइनिंग नारा को जनता ने ठुकराया था और बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के सबसे कद्दावर विपक्ष के नेता महेंद्र सिंह को निशाना बनाया। उनका मंशा था कि शायद महेंद्र जी की हत्या हो जाएगी तो झारखंड विपक्ष मुक्त। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसी रास्ते पर काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि 2019 का जो चुनाव है, आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि पूरे देश के संविधान को, लोकतंत्र को कमज़ोर करने और झारखंड से लेकर के देश के हर जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ विरोध की आवाज़ को दबाने की जो पूरी साजिश चल रही है, इस साजिश का हम मुकाबला करेंगे। और 2019 के चुनाव में जैसे 77 के चुनाव में इंदिरा ताराशाही का सफाया हुआ था, जैसे 2004 के चुनाव में इंडिया शाइनिंग नारा का सफाया हुआ था, 2019 के चुनाव में भी बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने छत्तीसगढ़ में देखा
जैसे हमने दिल्ली विधानसभा में देखा था, बिहार विधानसभा में देखा था, बिल्कुल उसी तरह लोग नरेंद्र मोदी और आरएसएस के इस पूरे निजाम के खिलाफ मतदान करेंगे। और आज हम लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि कोडरमा, जहां पिछले 2014 के चुनाव में कुछ चंद हजार वोटों से माले के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रह गए थे मोदी लहर में, इस बार के चुनाव में हम लोग निश्चित तौर पर कोडरमा से लाल झंडे को दिल्ली संसद में भेजने का काम करेंगे। यही संकल्प आज पूरे इस जनसंकल्प सभा से हम लोग ले रहे हैं। आयुष्मान योजना का उद्घाटन बुधवार को सरिया देवकी अस्पताल में किया गया। बताया गया कि इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोग उठा सकते हैं। सरिया के देवकी अस्पताल में बुधवार को आयुष्मान योजना का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर स्थानीय सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों के लिए वरदान साबित होगा, जिसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए देश में इसे लागू कराया। इस योजना के तहत एक साधारण गरीब व्यक्ति अपने असाध्य रोगों का इलाज करा सकेंगे। इसके लिए देवकी अस्पताल एक सफल उपचार केंद्र के रूप में खड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम के मौके पर डॉक्टर चांदमुनि, स्थानीय मुखिया आशा देवी, मधुसूदन प्रसाद, भाजपा के रामचंद्र सिंह, सचिंद्र सिंह, नकुल मंडल, सुरेश यादव, जितेंद्र सिंह, प्रमोद शर्मा, विक्रम मंडल, रंजीत मंडल, कंठीकाल पांडे, पप्पू कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। तरफ से शुभकामना देता हूं कि उनका जल्दी रोग निरोग हो, और मैं डॉक्टर साहब से जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके सहृदयता से जो वो काम कर रहे हैं उसे और भी संवेदनशील होकर के विश्वसनीयता के आधार पर आगे बढ़ाने का कष्ट करें। वास्तव में अस्पताल एक ऐसी मानवीय सेवा है जिसे किसी दबाव में नहीं कराया जा सकता है। शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे कार्य हैं जिसके जो दबाव में भय से नहीं कराया जा सकता है। ये दोनों ही काम प्रेम से, संवेदना से और आंतरिक प्रेरणा से होती है। इसमें भी दबाव दे करके काम कराया जाए तो पढ़ाने वाला गलत पढ़ा दे सकता है, चिकित्सा करने वाला गलत चिकित्सा कर सकता है। इसलिए उनकी आत्मिक प्रेरणा और संवेदना जिन लोगों को जरूरतमंद है उनके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं फिर से यह कहूंगा कि यह कार्य बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, वंदनीय कार्य है, और इसमें हम चाहेंगे कि मानवीय संवेदना को हृदय में समेट करके अस्पताल के तमाम कर्मी, चाहे वो यहाँ पर हमारी नर्स बहनें होंगी, अन्य यहाँ पर कर्मी होंगे, डॉक्टर होंगे। मुझे ये भी जानकर खुशी हुई कभी इस हॉस्पिटल में सप्ताह में अलग अलग दिनों में अलग अलग स्थानों से बाहर से एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स आते हैं, जो अलग अलग शरीर के क्षेत्र के एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, उनका भी आगमन शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है जल्दी ही ये हॉस्पिटल और भी यशस्वी होगा और इसका वृद्धि होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपवाड़ी गांव के समीप फिर चार साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। गिरिडीह पुलिस अपने तगड़े सूचना तंत्र की बदौलत लगातार साइबर अपराधियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। एक बार फिर एसपी को मिले इनपुट के आधार पर एक टीम गठित कर बेंगाबाद से चार साथी साइबर अपराधियों को दबोच लिया गया। इन अपराधियों के पास से 13 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 3 एटीएम, एक बोलेरो वाहन और 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। इस बाबत छापेमारी दल की अगुवाई कर रहे डीएसपी साइबर सेल संदीप सुमन समदर्शी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि इस टीम में पुलिस निरीक्षक सहदेव प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक उदय कुमार सिंह, बेंगाबाद थाना के सहायक अवर निरीक्षक बीपी शर्मा को सदल बल शामिल किया गया था। तमाम लोग योजनाबद्ध तरीके से चपुआडी गांव स्थित मैदान में छापा मारकर रंगे हाथों मनोज कुमार मंडल,
गोनिक कुमार मंडल, विकास कुमार चौधरी और रिंकेश मंडल को दबोच लिया। बताया गया कि सभी सीरियल कॉल कर एटीएम पासवर्ड जुटाते थे और इसी के आधार पर बैंक खाते से पैसों की हेरा फेरी करते थे। इधर बेंगाबाद से ही दो वारंटी को भी दबोचा गया। बताया गया कि एक अपराधी के पिता बेंगाबाद में ही छोटी सी नमकीन की दुकान चलाते थे, लेकिन बेटे की कमाई के बदौलत उन्होंने 50 लाख का मकान खड़ा कर लिया है। इसमें सर के कुशल मार्गदर्शन के कारण हमारी साइबर पुलिस ने आज 6 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी बेंगाबाद क्षेत्र से हुई है तथा 2 जो है पुराने केस में वांटेड, उन्हें आज हम अरेस्ट करने में सफल हुए हैं, उन्हें भी साथ साथ जेल भेज रहे हैं। इसमें काफ़ी बड़े लेवल के साइबर अपराधी भी इन्वॉल्व हैं, जिनका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि पहले 2 साल पहले उनकी साधारण सी दुकान वगैरह थी समोसे की, और आज कम से कम 50 लाख का घर उन्होंने बना रखा है और गाड़ियाँ बुलेरो बाइक्स वगैरह अपनी जगह लगे। कई ऐसे भी हैं जो एक ऐसा भी बंदा इसमें है जो कि इंडियन आर्मी के नाम से बना के रखा है, उसने ट्रू कॉलर पर अपना सेव करके रखा है और उस पर संशय यह है कि शायद उसी तरह से वो ठगी करके लाखों रुपए वो कर चुका है फ्रॉड। तो इस तरह से नए तरह के साइबर की जो टेक्निक है वो भी देखने को मिली है इस बार। क्या क्या बरामद किया गया सर? इसमें कुल मिला के 12 मोबाइल फोन्स, 3 ATM कार्ड्स, 1 बोलेरो और 3 बाइक्स बरामद। बेंगाबाद में बुधवार को कांग्रेस के द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बेंगाबाद के मंडलडी गांव में बुधवार को कांग्रेस जिला इकाई द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अमित सिन्हा, नगर अध्यक्ष लड्डू खान, महासचिव इम्तियाज इमाम, सीमा कुमारी, उपाध्यक्ष गोविंद तुरी, शमीम कुरैशी, मुखिया समीम शेख, सतीश केडिया, सुरेंद्र सिंह, हसनैन आलम, जैनुल अंसारी सहित गांव के कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सभी पंचायत एवं बूथ स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर आज यह आवश्यक बैठक आहूत की गई है। इस दौरान पंचायत अध्यक्षों को बूथ कमेटी सशक्त करने का टास्क दिया गया। साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिले के पंचायतों में हर सप्ताह ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे और जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में संगठन मजबूती को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। खंड से लेकर पंचायत अध्यक्ष और प्लस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम लोगों ने बुलाया है और कैसे हम लोग गति लाए पार्टी में, इस बात की चर्चा हो रही है। साथ साथ दो काम हमें जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से सौंपा गया है, एक तो शक्ति ऐप से सबको जोड़ना है जो इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हमारा, और दूसरा है कि हमारे जनसंपर्क अभियान करना है। उससे उसका मतलब यह है कि जो मेंबरशिप का फॉर्म आया हुआ है, प्रत्येक बूथ पे हमको एक्टिव मेंबर मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम कुछ नहीं, अधिक से अधिक 10, 15, 20, 25, जहाँ अच्छा बूथ हमारा है वहाँ हम लोग 50 मेंबर तक भी बना सकते हैं। और ये फॉर्म जो है वो बिल्कुल सारा चीज़ प्रिंट होकर के दिल्ली से यूज़ में रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो राहुल जी ने दिया है उनको पंचायतों में बूथ स्तर पर लागू करना, जैसा कि पंचायत मुख्यालय में झंडा लगाना, शक्ति ऐप से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना और एक बूथ पर कम से कम 5 लोगों को जनसंपर्क अभियान के सदस्यता जो हमारी है वो चला करके जोड़ना, ये मेरा सबसे पहला कार्यक्रम है जो लेकर के वो बैठे हुए हैं। इसके साथ ये चुनावी वर्ष है, हम लोकसभा और विधानसभा में कैसे जीते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, बहुत ऐसे मेरे कार्यकर्ता हैं जो शिथिल हैं, उन्हें एक्टिव करना है और नए लोगों को जोड़ना है। तो हम लोग एक प्लान बना रहे हैं जो हम लोग सप्ताह में चाहेंगे कि 1 या 2 दिन कम से कम अपने नेता और हम भी उसमें शामिल हो सकते आवें, और गांव के द्वारा एक पंचायत को सिलेक्ट करें, एक दिन में उस गाँव पंचायत में जाएंगे, वहाँ के लोगों से जुड़ेंगे, वहाँ के लोगों को कार्यकर्ता बनाएंगे और
प्रभात खबर के द्वारा बुधवार को झारखंड फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन ग्रीडी स्टेडियम में कराया गया। मौके पर विधायक एसपी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान शानदार फुटबॉल का मुकाबला भी देखने को मिला। ग्रीडी स्टेडियम में बुधवार को शानदार फुटबॉल का मुकाबला देखने को मिला। यहां प्रभात खबर के सौजन्य से झारखंड फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज कराया गया। बताया गया कि राज्य भर के विभिन्न जिलों में अखबार परिवार के सौजन्य से इस प्रतियोगिता को संचालित करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस बार गिरिडीह में कोडरमा और गिरिडीह के टीमों के बीच भिड़ंत कराई गई। यह उद्घाटन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि एसपी सुरेंद्र कुमार झा उपस्थित हुए, जबकि समापन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक निर्भय सहवादी शरीक हुए। इसके अलावे इस चैंपियनशिप में पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, बिसुत्री जिला उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, उद्योगपति गुणवंत सिंह सलूजा, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, डॉक्टर विद्याभूषण, आशुतोष तिवारी, हबलू गुप्ता, दीपक स्वर्णकार, अनूप सिन्हा, मनोज संघई, प्रकाश चौधरी आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यह इस कार्यक्रम का संचालन प्रभात खबर के जिला प्रभारी राकेश सिन्हा कर रहे थे, जबकि कमेंट्रेटर की भूमिका अमीन अकेला निभा रहे थे। तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय फुटबॉल मैच आज आप सब देख रहे हैं, जो कोडरमा जिला वर्सेस गिरिडीह जिला के बीच आज बहुत ही रोमांचक क्षणों में खेला जा रहा है। और एक डायरेक्ट गोलकीपर के दास्तानों में बॉल, दोनों ही टीमें लगातार जुझारूपन का प्रदर्शन करते हुए फुटबॉल मैच में लगातार प्रहार दर प्रहार एक दूसरे के साथ करते हुए, और दोनों ही टीमों का यह प्रयास है कि कम से कम पहले रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल नवजात शिशु की तरह अपने आगोश में समेट लिया है इस फुटबॉल को। और वाकई कई लोगों की धड़कने हो गई थी तेज कि अब गिरिडीह हारी कि नहीं हारी। हाफ का खिलाड़ी मोहम्मद शहनवाज, गिरिडीह 8 नंबर, टफ कॉन, इंडिया बनेगा टफ कॉन। बहुत ही अच्छा प्रयास टफ कॉन कंपनी की ओर से आमतौर पे, और ये एक ऑफ साइड का इशारा। बहुत ही रोमांचक गोल होने की संभावना थी, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी मोहम्मद फिरोज गिरिडीह की तरफ से, बहुत ही चतुर, कई जिलों अन्य जिलों में भी गोल करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 9 नंबर अपना प्यार दे करके हम लोगों के बीच से गुजरते हुए और अगर वाकई इस समय का सदुपयोग गिरिडीह की टीम कर सकती है, करना जानती है, तो मैं समझता हूं एक कॉर्नर कोडरमा टीम को मिला है फायदा, फिर से एक कॉर्नर अर्जित किया है कोडरमा की टीम ने, निभाया है। 3-0 से आपने बढ़त जरूर ली है, और ये नए वर्ष में आपके लिए ही नहीं पूरे हम समझते कोडरमा के लिए आपने तोहफा दिया है, और इस अंदाज को हमेशा बरकरार रखने का आप काम करेंगे। गिरिडीह के खिलाड़ियों से ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में काफी मेहनत करें। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे पूर्व खिलाड़ी भी रहे हुए हैं, हमारे रबानी साहब के नेतृत्व में आप और कुछ अच्छा कर सकते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काफी अवसर मिलेगा आपको। आप खेल को किस तरह से खेला जाए इसके लिए निश्चित रूप से कोच की आवश्यकता होती है। वहीं इस प्रतियोगिता के सफल संचालन में इवेंट मैनेजर सविता गुप्ता, टफकोन के सूरज गुप्ता, पत्रकार सूरज सिन्हा, अमरनाथ सिन्हा, मृणाल सिन्हा, मुन्ना वर्मा, विनोद शर्मा, सुजीत कुमार आदि लगे हुए थे। बताया गया कि पूरे राज्य भर में कुल 24 टीमों के बीच 31 मुकाबला होना है। फाइनल मुकाबला रांची में संपन्न होगा, जिसके विजेता खिलाड़ियों को 1,00,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रभात खबर और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में पूरे झारखंड में, झारखंड के सभी जिलों में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आओ फुटबॉल खेले, जिसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया है और 31 मैच खेले जाएंगे।
एक तो जो इस पूरे खेल में जो चैंपियन होगा उसको रांची में 1,00,000 रुपये नगद राशि के साथ सम्मानित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की जो निर्णायक टीम है उनके द्वारा अच्छे खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और ये खिलाड़ी जो चयनित होंगे वो संतोष ट्रॉफी में भी भाग ले सकेंगे। धन्यवाद। प्रभात खबर की ओर से पूरे स्टेट में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 24 टीम है, 21 मैच होना है और आज गिरिडीह में स्टेडियम में जो है कोडरमा और गिरिडीह का मैच हुआ, लीग मैच जिसमें गिरिडीह 3 गोल से हार गई, कोडरमा जीता और दोनों टीम अच्छा खेली है। और इसमें जो प्रभात खबर का प्रयास है तो पूरे स्टेट लेवल पर अच्छी टीम, अच्छे प्लेयर्स निखरेंगे और उसके माध्यम से जो झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन है वो भी इस पर निगरानी रख रहा है, उसमें देख रहे हैं लोग कि जो अच्छे प्लेयर आएंगे उसको संतोष ट्रॉफी में लिया जाएगा और इसके माध्यम से प्रभात खबर को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। BSNL कार्यालय परिसर में बुधवार से अनुबंध कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया गया कि वे अपने 8 माह के बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। BSNL ग्रीडी में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बताया गया कि विगत 8 माह से इन कर्मियों के वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। फीस न भरने की वजह से उनके बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, भुखमरी की नौबत आ गई है। ऐसी परिस्थिति में उनके पास हड़ताल पर जाने का एकमात्र विकल्प बचा था, इसलिए वे बाध्य होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिंदाबाद, 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 बकाया वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, बकाया वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे BSNL में है कि 8 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिलने के कारण इसी पर मजदूर लोग सब हड़ताल में चले गए हैं और हमारे बच्चे लोग हैं जो भूखे हैं, उनका मानदेय स्कूल का नहीं दे पा रहे हैं, राशन बंद कर दिया गया है। इस कारण से हम लोग को बाध्य होकर BSNL में हड़ताल कर दिए हैं और हम लोग को एक ही मांग है कि हम लोग का 8 महीने का वेतन है उसको पेमेंट हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग हड़ताल वापस ले लेंगे। हम लोग एक दर मौके पर सदर विधायक निर्भय कुमार शाहवादी पहुंचे और इन कर्मियों का हाल जाना, साथ ही उन्होंने मौके पर ही CGM से बात की और इस मसले पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिस पर CGM ने कहा कि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी, चूंकि अब ये समस्या उनके संज्ञान में है इसलिए यथाशीघ्र इन कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज से BSNL के मानदेय कर्मी जो 17-18 वर्षों से कार्यरत हैं उनके 8 माह के वेतन नहीं मिलने की वजह से आज हड़ताल पे हैं। इन्होंने हमको अप्रोच किया और मैं इनके जो आज हड़ताल शुरुआत हुआ है उस हड़ताल के स्तर पे आया हूँ मैं और यहीं से मैंने CGM से बात किया, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको यथाशीघ्र इस मामले को निपटाया जाए। तो मैं तो इन लोगों को आग्रह करूँगा कि हड़ताल न करें लेकिन फिर भी इनका अपना न्यायोचित मांग को देखते हुए अभी जारी रखें, ये 2-4 दिनों में फैसला अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे तक इसमें बात को ले जाने का काम करेंगे। ये गरीब व्यक्ति लोग हैं, इनका 8 महीने से नहीं है वेतन मिलने के वजह से इनके बच्चों की फीस, राशन सब पे संकट आ गया है। ऐसे में दूरसंचार विभाग निश्चित रूप से संज्ञान लेते हुए इनके मांगों को पूर्ण करे, यही हम चाहते हैं। राजेंद्र साव पर जानलेवा हमला करने वाले 2 लोगों पर उन्होंने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया गया कि उनके गांव के ही लोगों ने उन पर हमला किया था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहमोरिया गांव निवासी राजेंद्र साव पर बीते 14 जनवरी को जानलेवा हमला किया गया था जिसमें वे बाल बाल बच गए। वही हमला करने वाले 2 लोगों पर उन्होंने मंगलवार को प्राथमिकी भी दर्ज करवाई, बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। बताया गया कि 14 जनवरी की रात वह अग्नि संस्कार कार्यक्रम में बढ़ाकर नदी गए हुए थे, इसी दौरान वापस घर लौटने के क्रम में गांव के ही सोहन साव व जीतन साव ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही बताया कि उन्हें जंगल में पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद अचानक कुल्हाड़ी से उनके छाती पर वार कर दिया गया जिससे उन्हें गहरी चोट आई। हालांकि इस घातक वार में उनकी जान बच गई और फिलहाल उनका उपचार गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है।
क्या नाम हुआ? राजेंद्र सिंह। कहाँ घर पड़ता है? गरम हो रही है। कैसे हुआ ये? लाश जलाने गए थे। कौन किन किन लोगों ने मारा? मारा मतलब जलाते आ रहे थे, उधर से हो गया तो काम कर लिया, बीच जंगल में मारा है सोहन सा और जीतन सा। क्या कारण था? कोई कारण है जो पहले मतलब जमीन मांग रहा था वो, तो दूसरा को और कोई तो दूसरा को दे दिए, इसी मतलब इसी वजह से वो मारा। ये मारा सोहन सा और जीतन सा। अब बच ये तो लहा जलाने के लिए खाना बांट दिए, खानू ने खाने दिया, उनका घोटाया कर ले गया उठा के, बोल चलो ना लहसुन जलाने के लिए नहीं जाएगी थी, तो बोला जाएंगे हम खाने दीजिए, हम बोल नहीं खाना नहीं खाने पड़ेगा, चलो ना रहते बाद आएंगे तब खाएंगे, बोलने खाने दीजिए, बोल नहीं खाना, चलो चल ले गया, तो हम लोग चल गया, तो वहाँ से कैसे हुआ हमको पता नहीं है। कैसे पता चला आपको, कैसे खबर मिला? एक बच्चा निकलने आया कि बोल देखो ना वो लोग दौड़ ले उधर से आ रहा है छोटा तरफ से। हम बोले कैसे छोटा तरफ से दौड़ने आ रहा है उधर से, गया लहा जलाने के लिए, बोल जाके देखो ना, तो वो गए तो देखे छुछे जंगिया पर दौड़ा ला रहा है, सबसे खून झुझा ला रहा है, कट उट गया है, तब बोले कि बात क्या हो गया, तो पता नहीं, तब घर वाले आए तब बोला कि नहीं सोनवा मारा हुआ है और जितना मारा हुआ है और चौना मारा हुआ है, तगर बात सही। होलसेल दुकान शंकर ट्रेडर्स में मंगलवार रात चोरों ने 55,000 की चोरी की, फिलहाल पुलिस चोरों के धरपकड़ में जुटी है। नगर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर संचालित अमूल स्प्रे, हिमानी, हॉर्लिक्स आदि की होलसेल दुकान शंकर ट्रेडर्स में मंगलवार रात चोरों ने लगभग 55,000 रुपए नगद की चोरी कर ली। इस बाबत दुकान के संचालक विनोद केडिया ने बताया के रात में वेंटिलेटर से दुकान के अंदर चोर घुसे और गल्ले को काटकर नगद लगभग 55,000 रुपया चुरा लिया और अपना औजार यहीं छोड़ गए। चोरी की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। लड्डू कब खाएंगे हम? क्या करना है बताइए, बहुत जल्दी। जो वेंटिलेटर थोड़ा सा है उसी से वो लोग आए हैं और नीचे से ऊपर ताला लगा हुआ रहता है, उसको चाबी लेके खोल के गेट से वो लोग लगता है कि चले गए हैं, और बगल में हुडको में भी रात में हुआ है तो उसका भी यहाँ बोल रहा है केस में चोरी हुई है। ट्राफिक कैमरा को बोले हैं वो खंगालने के लिए, वो लगे हुए हैं, कुछ ट्रेस आउट हो रहा है, अभी बोला कि हम आपको एक आध घंटा में उसको आपको निकाल के फोटो देंगे। थोड़ा आपके दुकान में शिकायत है? नहीं, हमारे दुकान के बगल में है, सीओ वाले में है। चोरी के पीछे किसी का हाथ आप लोग को इस तरफ? ऐसे कुछ जैसे कर्मचारी रंग का काम कर रहे थे तो संभावना वो भी हो सकता है, ऐसे चाहे कि वो लोग को जानकारी थे चाबी यहाँ रहता है तो वो लोग करते थे, ले जाते चाबी नीचे रख देते थे, तो हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, और क्या बड़ा हार्ट टाउन है और हम क्या मांग करें प्रशासन। क्या नाम पूरा लिखते हैं आप? विनोद कुमार केडिया। हम लोग प्रशासन से ही चाहते हैं, अरे भाई गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे से आप लोग ऐसा कीजिए पेट्रोलिंग चाहे और भी कुछ जिसमें कि और किसी को नहीं हो, बात यही और क्या है प्रशासन। इधर इस बाबत रेड क्रॉस के सचिव व पूर्व नप उपाध्यक्ष राकेश मोदी ने इस घटना पर कड़ी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन से इस पर त्वरित कार्रवाई करने की बातें कही। मौके पर मनोज जलान, सतीश केडिया, लड्डू खान, राजेश अग्रवाल राजू समेत अन्य कई लोगों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। छत से घुसकर वेंटिलेशन से नीचे आए हैं और अलमारी तोड़कर, और ये लोगों ने सारे सामान लेकर आए थे, कटर है और भी सामान जो है अलमारी तोड़कर लेकर आए थे, और लगभग 55,000 रुपए की चोरी करके ये चोरों ने ले गई है, जिसके लिए हम लोग थाना में एफआईआर दिया है और थाना से आए हुए हैं, ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो मैं थाना से अपील करूंगा, बड़ाओं से भी अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि ये थाना से मात्र 25 गज की दूरी पे है और ये शहर के बीचों बीच हार्ट ऑफ द टाउन में, और ये प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, चोरी हो रही है, इस तरीके की घटना आए दिन शहर में हो रही है। कौन सी दुकान में चोरी हो रही है? शंकर ट्रेडर्स नामक दुकान है जिसके प्रोपराइटर श्री विनोद जी केडिया।
पिपरा चांद प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को स्थानीय लोगों ने फिर से हंगामा किया। बताया गया कि पठन पाठन को लेकर वे हंगामा कर रहे हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के पिपरा चांद प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को फिर हंगामा हुआ। दरअसल पिछले दिनों उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने उपायुक्त को एक आवेदन देकर विद्यालय में पठन पाठन नहीं होने की शिकायत की थी। बताया गया कि यहां के सचिव रश्मि आचार्य लंबे वक्त से इसी विद्यालय में हैं। आचार्य पर अभिभावकों ने पठन पाठन में कोताही, बच्चों के साथ मारपीट व अन्य कई तरह का आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों की जाँच के लिए बुधवार को बीईओ विद्यासागर मेहता स्कूल पहुँचे थे। बीईओ के समक्ष भी ग्रामीणों ने खूब हो हल्ला मचाया। जांच पड़ताल के बाद बीईओ ने कहा कि रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, ऊपर से मिले निर्देश के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पिपराटांड पंचायत पूर्णा नगर, हम लोग डीसी महोदया के पास आवेदन दे चुके हैं। यहाँ के पिपराटांड में जो प्राथमिक विद्यालय में रूत रश्मि आचार्य जी जो पढ़ाते हैं उसको यहाँ से ट्रांसफ़र की मांग किए हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ के बच्चा लोग को कभी पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। और हम लोग शिक्षण का जब शिक्षा का बात करते हैं तो हम लोग पर मतलब उल्टा गलत अंजाम लगाने को तैयार हो जाते हैं कि यहाँ शिक्षा के बारे में बात नहीं करें, नहीं तो दूसरा तीसरा केस में फंसा देंगे। इसलिए हम लोग को मांग है डीसी महोदया से कि यहाँ के टीचर रूत रश्मि आचार्य को यहाँ से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हम लोग को चाहिए। शिकायत पर कर्मिक मध्यालय पिपराटाल गिरिडीवान अंचल में जो है विद्यालय का जांच हेतु आया। विद्यालय में देखा कि शिक्षिका विद्यालय में पढ़ा रही है और लेकिन नामांकन के अनुरूप बच्चे की उपस्थिति नहीं पाया। नामांकन कुल 71 है लेकिन बच्चे की उपस्थिति मात्र 21 थी। MDM संचालित था। आज का देखा मीनू के अनुसार MDM में अंडा दिया गया लेकिन ग्रामीणों का शिकायत अंडा दे दिया तो क्या, लेकिन ग्रामीणों का शिकायत है कि अंडा पूर्व में नहीं दिया गया है। आज ही गलत बोल रहे हैं, आज ही केवल दिया गया है। इसकी जांच हम करके कार्रवाई बाद में करेंगे। तो जो ये लोग आवेदन दिया था आप किस चीज का जांच के लिए था? शिक्षक विद्यालय शिक्षिका पढ़ाती है या नहीं, विद्यालय में क्या स्थिति है देखने के लिए आया। तो ग्रामीण अपने आप जमा हुए, पूछताछ हो रहा था, आपस में ग्रामीण अपने आप उलझ गए जिस कारण पूर्ण जांच नहीं हो। अंत में नजर डालते आज के सुर्खी। लाल झंडे से पटा पूरा बगोदर इलाका, गूंजा लाल सलाम। शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह अपनी शहादत दिवस पर किए गए श्रद्धा और सम्मान से याद। पार्टी की ओर से आयोजित हुई संकल्प सभा, उमड़ा जन सैलाब। प्रभात खबर के सौजन्य से स्टेडियम में संपन्न कराया गया झारखंड फुटबॉल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला। गिरिडीह और कोडरमा टीम के बीच हुई शानदार भिड़ंत। 3-0 से कोडरमा की टीम ने मारी बाजी। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को फिर मिली एक बड़ी सफलता। रंगे हाथों बेंगाबाद से दबोचे गए 4 साइबर अपराधी बोलेरो मोटरसाइकिल के साथ भारी संख्या में फर्जी सिम और ATM बरामद। साइबर DSP संदीप सुमन समदर्शी ने PC कर दी जानकारी। और शहरी क्षेत्र में शातिर चोरों का आतंक जारी। नगर थाना के समीप शंकर ट्रेडर्स में चोरों ने किया हाथ साफ। गल्ले से 55,000 रुपए चुराए। मामला दर्ज, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।